रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। प्रदेश के धर्मशाला में नवंबर माह में होने वाली इन्वेस्टर मीट को जहां कांग्रेसी नेता अस्थिरता से गुजर रही स्थिति में बीजेपी की भूल करार दे रही है, इन्वेस्टर मीट को लेकर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने सरकार से 2 साल के कार्यकाल और इससे पूर्व की कांग्रेस सरकार के समय में हुए औद्योगिक निवेश पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। वहीं कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी पर हमीरपुर विधायक नरेंद्र ठाकुर ने करारा जवाब देते हुए उल्टा कांग्रेस की सरकारों को ही देश के पिछड़ने का आरोप लगाया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने भाजपा नेताओं द्वारा इन्वेस्टर मीट को लेकर नेता प्रतिपक्ष के विषय में की गई बयानबाजी पूर्णतः निराधार तथा तथ्यविहीन है। प्रदेश तथा देश में उद्योगों की खस्ता हालत के लिए केंद्र सरकार की नीतियां दोषी हैं। नोटबंदी और जीएसटी ने देश की आर्थिकी पर जो प्रहार किया है उसी की वजह से उद्योग जगत और उत्पादन पर वितरित असर पड़ा। हिमाचल प्रदेश में सरकार द्वारा आयोजित की जा रही इन्वेस्टर मीट के संबंध में नेता प्रतिपक्ष ने तथ्यात्मक बयान दिया, जिसके विषय में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने निराधार और तथ्यविहीन प्रतिक्रिया व्यक्त की। भारतीय जनता पार्टी अगर औद्योगिकरण और उसकी निवेश के विषय में यदि सच्चाई जनता के सामने लाना चाहती है, प्रदेश की जनता के, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में अब तक हुए औद्योगिकरण और निवेश को लेकर एक श्वेत पत्र जारी करे, जिसमें कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में जो निवेश हुआ उसकी व्याख्या भी हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के समय में जो उद्योग स्थापित हुए और निवेश हुआ उसकी भी व्याख्या हो, और वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसके 2 वर्ष का जो कार्यकाल है उसमें जो निवेश हुआ, MOU साइन हुए और इम्प्लीमेंट हुए, उनका भी डिटेल हो। ये श्वेत पत्र अगर प्रदेश सरकार लेके आती है तो दूध का दूध पानी का पानी स्वयं हो जाएगा और जनता जान जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी के दावे खोखले हैं और आरोप निराधार है। आज औद्योगिकरण उद्योगों के में आई मंदी जो है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जबकि सारा विश्व जानता है, सारा देश जानता है कि उद्योगों में जो मंदी आई, उत्पादन में जो कमी आई, उसके पीछे केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार की गलत नीतियां हैं। नोटबंदी और GST ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ के रख दी और नोटबंदी और GST की वजह से आज हिंदुस्तान के अंदर जो उद्योग हैं बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। प्रेम कौशल ने कहा कि भाजपा सरकार अपने 2 वर्ष के कार्यकाल तथा इससे पूर्व की कांग्रेस सरकार के समय में हुए औद्योगिक निवेश पर श्वेत पत्र जारी कर समय दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज देश आर्थिक अस्थिरता की स्थिति से गुजर रहा है, जिसमें असुरक्षा की भावना के चलते इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल रहे हैं और ऐसे हालात में प्रदेश सरकार इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टर मीट करने जा रही है। और जो पहले से जिन लोगों ने निवेश किया है, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो अपने निवेश को निकाल कर बाहर जा रहे हैं और जो उद्योगपति हैं, इन्वेस्टर्स हैं, आज जो आर्थिक माहौल हिंदुस्तान के अंदर है उसमें वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और ऐसे हालात में प्रदेश सरकार ये दावा कर रही है कि हजारों करोड़ रुपए का निवेश वो हिमाचल प्रदेश के अंदर लेके आने वाले हैं। इन दावों में कोई सच्चाई नहीं है। महज ये जो इन्वेस्टर मीट का हुआ है, खड़ा करके हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है वो चुनावों में लाभ लेना चाहती है और जनता को गुमराह करना चाहती है। चुनाव आयोग द्वारा कांग्रेस की शिकायत पर विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने जवाब तलबी करने के बावजूद मुख्यमंत्री द्वारा उनके चुनाव प्रचार करने को सही टकराना स्पष्टता चुनाव आयोग को प्रभावित करने का प्रयास है और ऐसा बयान देकर मुख्यमंत्री ने राजनीतिक तथा प्रशासनिक उपरिवक्ता का परिचय दिया है। इसी के साथ कुछ दिन पूर्व धर्मशाला जाते हुए जिस प्रकार हमीरपुर में इंसाफ के लिए रोते बिलखते लोगों को स्थापना और इंसाफ का आश्वासन देने की बजाय मुख्यमंत्री अपना रास्ता बदल कर निकल गए, उसने ये साबित कर दिया कि मुख्यमंत्री से जिस करुणा, इंसाफ एवं मानवीय आचरण की अपेक्षा की जाती है उसकी चोटी पर वह खड़े नहीं उतरते। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के जो स्पीकर हैं राजीव बिंदल, उनको कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस अध्यक्ष की शिकायत के आधार के ऊपर चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है, जवाब तलबी उनसे की है। और विधानसभा के अध्यक्ष के चुनाव प्रचार करने को मुख्यमंत्री अखबारों में बयान देकर जायज ठहरा रहे हैं, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है।
उनका यह बयान मुख्यमंत्री का कि विधानसभा अध्यक्ष चुनाव प्रचार कर सकते हैं, सीधे सीधे चुनाव आयोग को प्रभावित करने का प्रयास है और उनकी जो एक राजनीतिक और प्रशासनिक परिपक्वता है उसका परिचय इससे मिलता है। कोई भी स्पीकर जो है वो जब स्पीकर चुन लिया जाता है उसके बाद वो विधानसभा के अंदर विधानसभा का अध्यक्ष होता है, पूरे विधायकों का और हाउस का अध्यक्ष होता है, वो किसी पार्टी का सदस्य नहीं रह जाता है। इस चीज़ को सब समझते हैं और ये बड़ा स्पष्ट है। ये पहली बार हुआ है कि कोई विधानसभा का अध्यक्ष इस तरीके से सीधे तौर पर चुनाव प्रचार में जा रहा है और मुख्यमंत्री शिकायत करने पर उसको डिफेंड कर रहे हैं। ये बड़ा एक ऐसी स्थिति है जिसमें मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री स्वयं हास्य का पात्र बन रहे हैं।